हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे केसर बादाम कुल्फी। सबसे पहले हम दूध गरम करेंगे। हमने यहाँ पर एक पैकेट दूध लिया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग दूध ले सकते हैं। अब केसर को घोलने के लिए बाउल में ठंडा दूध लेंगे। अब इसमें केसर डालेंगे। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। इसे हम इसलिए घोल रहे हैं जिससे केसर अपना पीला रंग छोड़ दे। इसे बाद में हम दूध में मिला लेंगे। दूध को मीडियम गैस पर उबलने देंगे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे। इसमें एक बड़ा चम्मच काजू, एक बड़ा चम्मच बादाम, दो छोटी इलायची, एक बड़ा चम्मच चीनी। चीनी को हम मिक्सी में पीस लेंगे, दूध में अलग से नहीं डालेंगे। अब हम इसे पीस लेते हैं। इसे हम बारीक ही पीसेंगे। अब इसे बंद कर देते हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये हल्का दरदरा है, इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसको हम दोबारा मिक्सी में ही पीसेंगे। अब हम ब्रेड को पीसेंगे। यहाँ हमने एक पैकेट दूध लिया था, इसलिए यहाँ हम दो ब्रेड को पीसेंगे। अगर आप ज़्यादा दूध की कुल्फी बनाएं तो आप दो ब्रेड की जगह चार ब्रेड ले सकते हैं। के बाहरी किनारों को निकाल देंगे। इसमें हम ब्रेड कुल्फी को गाढ़ी करने के लिए डाल रहे हैं। देखिए बारीक पिस गया है। अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी सारी चीजें तैयार हैं। एक बार दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में अच्छे से उबाल आने के बाद ही हम सभी चीजों को दूध में डालेंगे। गैस को थोड़ा तेज कर लेते हैं। देखिए उबाल आ चुका है। गैस को हल्का कर देंगे और कढ़ाई पर जमी हुई मलाई को निकालकर दूध में मिला देंगे। दूध हमारा तैयार है। अब इसमें केसर वाला दूध मिलाकर चला लेंगे।
इसमें पिसे हुए काजू बादाम और ब्रेड का पाउडर मिला लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे लगभग 5 मिनट तक चलाएंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ठंडा हो चुका है। यहाँ रखिए जरा सा गरम ना रहे, इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। अब इसे पीस लेंगे। ध्यान रखिए अगर आप गरम दूध को जार में डालेंगे तो मिक्सी चलाते समय दूध झटके से बाहर आ जाएगा। अब दूध को मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसे पीस लेंगे। ध्यान रखिए इसको बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा ही रहने देंगे। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तैयार है। अब इसे स्टील के गिलास में डाल देंगे। अब गिलास को सिल्वर फॉल से ढकेंगे। आप चाहो तो इसे ऐसे ही जमा सकते हो। अब इसे फ्रीजर में 10 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। दस घंटे हो चुके हैं। अब इसे फ्रीज में से निकाल लेते हैं। जब आप इसे घर पर बनाएंगी तो आपके घर के बच्चे इसे देखकर खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब इसे खोलकर देख लेते हैं। देखिए ये अब अच्छे से जम चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में पानी लेंगे। गिलास को पानी में डुबोएंगे। ध्यान रहे पानी कुल्फी पर ना आ जाए, गिलास को घुमाते रहेंगे। अब इसमें चाकू डालेंगे और देखिए कुल्फी को इस तरीके से बाहर निकालेंगे। अब इसको काट लेंगे। ये काम थोड़ा जल्दी करेंगे।
अब इसे कटे हुए बादाम को गार्निश कर लेंगे। देखिए स्वादिष्ट कुल्फी तैयार है। आप इस तरीके से कुल्फी को सर्व कर सकते हैं। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये एकदम मार्केट जैसी कुल्फी बनकर तैयार होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।